जिला कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने भिलाई निगम क्षेत्र के बाजारों का सघन दौरा किया था और जोन आयुक्तों को निर्देश दिए थे कि बाजारों की व्यवस्था बेहतर बनाने व्यापारियों से चर्चा कर कोई ठोस कार्य योजना बनाई जाए, जिसके तहत जोन आयुक्त ने व्यापारियों के संग बाजार में ही बैठक कर चर्चा की। कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने पावर हाउस, सर्कुलर मार्केट, जवाहर मार्केट, सब्जी मंडी एवं फल मंडी के निरीक्षण के दौरान बाजार के अंदरूनी इलाकों में भी रोका छेका अभियान के तहत आवारा पशुओं की धरपकड़ के निर्देश दिए थे। वहीं उन्होंने मार्केट क्षेत्र को व्यवस्थित करने व्यापारियों से चर्चा भी की थी। इसी संबंध में अन्य कार्य योजनाओं को लेकर व्यापारियों के साथ बैठक लेने निगम के अधिकारियों को भी निर्देश दिए थे। कलेक्टर के निर्देश के परिपालन में दूसरे दिन ही रोका छेका अभियान के तहत 28 आवारा पशुओं को पकड़कर गौठान भेजा गया। वहीं आवारा पशुओं के धरपकड़ के लिए संसाधनों को बढ़ाने का प्रयास भी किया जा रहा है, ताकि अलग एरिया में आवारा पशुओं को पकड़ा जा सके। कलेक्टर के निर्देश के बाद एम्प्लॉयमेंट भवन के पास की बंद पड़ी लाइट को निगम ने त्वरित रूप से चालू करवा दिया। वहीं व्यापारियों के लिए वाहनों की पार्किंग करने ओवरब्रिज के नीचे व्यवस्था की जा रही है। अस्थायी पार्किंग तैयार हो चुका है। इस बाबत वाहनों को सुव्यवस्थित रखने के लिए मुनादी भी कराई जा रही है, तथा सामान बढ़ाकर व्यवसाय करने वाले दुकानदारों को भी अपने सामान दायरे में रखकर विक्रय करने की सूचना लगातार दी जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।